नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। वैश्विक महामारी में लॉकडाउन के बाद जहां शराब बिक्री पर रोक लगी हुई है, वहीं शराब माफियाओं ने कारोबार करने का एक नया पैंतरा इजाद कर लिया है। शराब तस्कर 3 गुने रेट में शराब की घर घर होम डिलीवरी कर रहे हैं। इसी दौरान आजमगढ़ पुलिस ने लग्जरी वाहन से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ एक डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद डिलीवरी बॉय ने चौंकाने वाला खुलासा किया। बेची जा रही शराब कहीं और से नहीं बल्कि सरकारी शराब की दुकानों से चोरी से निकालकर डिलीवरी की जा रही थी। इसके बाद SP ने शराब की दुकान के लाइसेंस को निरस्त कर उसके खिलाफ भी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। लॉकडाउन में भी लगातार मिल रही शराब तस्करी की सूचना के बाद पूरे जिले में पुलिस ने शराब कारोबारियों के खिलाफ अभियान चलाया। इस अभियान में GNPur पुलिस को उस समय कामयाबी हाथ लगी जब एक इनोवा वाहन से पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब की खेप बरामद कर एक युवक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान युवक ने बताया कि वह लॉकडाउन में लोगों को घर घर शराब 3 गुने रेट पर पहुंचाता है। उसको यह शराब सरकारी ठेके की दुकान से रात के समय चोरी से मिलती है। डिलीवरी बॉय की कथन की तस्दीक के लिए पुलिस ने शराब की बोतलों को स्कैन किया तो वह GNPur क्षेत्र के एक शराब की दुकान की मिली, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने सरकारी अंग्रेजी शराब की दुकान के लाइसेंस को निरस्त करने के साथ ही अनुज्ञापी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। वहीं जिले में लगातार शराब की होम डिलीवरी की शिकायत मिलने के बाद एक व्हाट्सएप नंबर 9454458115 भी जारी किया है और जनता से अपील किया गया है कि शराब माफियाओं के और कालाबाजारियों की सूचना देने वाले का नाम और पता गुप्त रखा जाएगा। देखिए, हमारे थाना पुलिस को ये सूचना मिली मॉर्निंग में कि कोई आदमी लग्जरी गाड़ी से इनोवा से दारू लेकर के जगह जगह बांट रहा है लोगों में। चूँकि लॉकडाउन है और वैसे भी कोई इस तरह से गाड़ी से ले जा कर के जो अनऑथराइज आदमी हो नहीं बांट सकता, तो हम लोगों ने चेक किया तो पता चला कि उसमें माइक डाउन और 8 PM की काफ़ी पैकेट्स रखे हुए हैं। और फिर उसके बाद बाहर कोड स्कैनर से जब हम लोगों ने जांच किया तो पता चला कि ये GNPur क्षेत्र का ही एक सरकारी दुकान से ये निकाली गई दारू की पेटी है। अब हम लोग इस गाड़ी को सीज कर रहे हैं, ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया है। अभी हमारी टीम गई हुई है जो वहाँ के जो सप्लायर हैं, जो सरकारी दुकान के सेल्समैन हैं, सप्लायर हैं जिनके नाम लाइसेंस है, उनको गिरफ्तार करने के लिए और उनके लाइसेंस कैंसिलेशन के अभी हम रिपोर्ट देने जा रहे हैं। अच्छा सर, ऐसे में लॉकडाउन है और इस तरह से लग्जरी गाड़ियों में घूमना और इस तरीके से शराब को बरामद करना, ये एक तरह से सुनियोजित है? ये अभी इसकी जांच चल रही है कि कितने बड़े लेवल पे ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन हमने इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत भी मैंने कार्रवाई की है। चूँकि ये लॉकडाउन के नियमों का वायलेशन भी है, एक्साइज एक्ट के अतिरिक्त चूँकि लॉकडाउन की जो शर्तें हैं उसका वायलेशन भी है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धाराएँ भी हम लोगों ने इन पर लगा दी। कितनी शराब बरामद की गई है? करीब 72 बॉटल्स जो हैं ये शराब बरामद की गई है। अभी मैंने एक्साइज डिपार्टमेंट को और STM को और CO की एक टीम गठित करके मैंने देखा कि स्टॉक रजिस्टर से जाके आप लोग चेक करिए कि किस स्तर पर अनियमितता है, कितने दिनों से ये लोग बेच रहे थे, इसकी भी मैं जांच करा रहा हूँ। और मैं पूरे जनपद में मैंने कह दिया सारे रजिस्ट्रेड अधिकारियों को, थाना प्रभारियों को, कि अपने एक्साइज इंस्पेक्टर और मजिस्ट्रेट के साथ मिलकर के हर दुकान की एक बार चेकिंग करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन लोगों की दुकानों से ये सप्लाई हो रही है, जैसे ये अभी पकड़ा गया है और ये सरकारी दुकान से सप्लाई मिली है। इस तरह से मैं पूरे जनपद में जाँच के आदेश मैंने दिए हैं। ठीक सर, ठीक है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।